नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,068,500 शिक्षक भर्ती अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नए शिक्षक भर्ती 2020 अपडेट को लेकर। और दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 12 दिसंबर 2019 के हम बड़ी अपडेट देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती कब तक ऑर्डर जारी होने की उम्मीद, 30-33 कट ऑफ मामला। जी हाँ दोस्तों, सभी को पता है कि 30-33 कट ऑफ पर आपका ऑर्डर रिजर्व किया जा चुका है, तो ये कब तक जारी होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की दोस्तों क्या अपडेट है, अगली सुनवाई जनवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में। जी हाँ दोस्तों, अभी ये सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क है कि संभावित तिथि है कि होगी या नहीं, ये दोस्तों अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों बात ऐसी हो रही है कि आपकी अगली सुनवाई फिलहाल जनवरी 2020 तक हो सकती है। उसके बाद एक और अपडेट निकल कर आती है कि प्रदेश के एडेड स्कूलों में 4,000 शिक्षकों की भर्तियां जल्द देखने को मिलेंगी, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी यह भर्ती। यूपी टेट एडमिट कार्ड दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट के प्रवेश पत्र आज से करें डाउनलोड। तो दोस्तों आज से आप लोग यूपी टेट के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो। सीटेट 2019 आंतर की जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों जो सीटेट परीक्षा का रिजल्ट है वो 6 सप्ताह के भीतर आपका जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की तमाम बड़ी अपडेट, तो एक एक करके सब पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी दोस्तों आज की अपडेट है कि सीटेट का पेपर खराब होने पर बीटीसी छात्रा ने कर ली खुदकुशी। तो दोस्तों ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि यार कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं पेपर खराब होने से। अभी आपके पास यूपी टेट का ऑप्शन था, तो दोस्तों ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे इतने परेशान होते हैं। अब दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के कल से इतने मैसेज आ रहे हैं कि क्या बताएं कि जब से दोस्तों बच्चों को पता चला कि हमारी जो अगली सुनवाई होगी वो 2020 में जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर का पूरा महीना बचा था, दिसंबर छोड़ दोस्तों सीधे 2020, वो भी जनवरी के लास्ट वीक में। और दोस्तों वो भी अभी कंफर्म नहीं कि वो सुनवाई होगी भी या नहीं। तो दोस्तों एक एक करके हर एक अपडेट पर हम आज बात करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट को लेकर कि यूपी टेट के प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड करें। जी हाँ दोस्तों, आज से आप लोग updlet.government.in ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों जाकर आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग एडेड स्कूलों में 4,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द। तो दोस्तों चलिए कुछ तो अच्छी खबर आपको देखने को मिली कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 4,000 शिक्षकों व प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार को परीक्षा कराने के लिए प्राधिकारी नामित करने का प्रस्ताव भेजा है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में काफी लंबे अरसे से नियुक्तियां नहीं हुई हैं, अभी कई पदों पर भर्ती उच्च न्यायालय में विचाराधीन भी हैं। अभी तक ये भर्तियां प्रबंधन बीएसए के अनुमोदन से अपने स्तर से कर लिया करते थे, इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिल रही थी। अब इन स्कूलों में भर्ती के लिए राज्य स्तर पर लिखित परीक्षा होगी, जिसका उत्तीर्णांक भी तय होगा। प्रदेश में 3,049 एडेड जूनियर हाई स्कूल है और इनमें दोस्तों 4,000 पद आपके खाली हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो हर स्कूल में लगभग आपका एक एक पद खाली है, तो मतलब हर स्कूल में एक एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों ये अपडेट जो आई थी वो काफी चौंकाने वाली अपडेट, क्योंकि दोस्तों सिर्फ पेपर खराब हो जाने से कोई बच्चा क्या सुसाइड कर सकता है। तो दोस्तों चलिए पहले पूरी खबर को पढ़ते हैं, आखिर हुआ क्या है मामला। सीटेट का पेपर खराब होने पर एक छात्रा ने कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, परिवार वालों को जब जानकारी हुई तो चीख पुकार मच गई। फरीदपुर के गाँव रमपुरिया निवासी गोपाल गौड़ दोस्तों जो भी है, फिलहाल हुआ दोस्तों फरीदपुर में पशु चिकित्सालय के पीछे बनी कॉलोनी में रहते हैं। गोपाल बुधवार सुबह तहसील चले गए, दोपहर में उनकी पत्नी किसी काम से बाहर चली गई, घर में 21 वर्षीय बेटी दोस्तों तभी इनके कमरे में दोस्तों पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। माँ घर आई तो कमरे में का दरवाजा बंद देख कर खटखटाया, आवाज न आने पर बेटी को सोता समझ कर अपने काम में लग गई। शाम को 5 बजे गोपाल तहसील से आए तो उन्होंने भी बेटी को कमरे का दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने दरवाजे को झटके से धकेला तो कुंडी टूट गई, अंदर बेटी का शव फंदे से लटका था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों ने बताया कि 8 दिसंबर को सीटेट की परीक्षा हुई थी, परीक्षा में कुछ प्रश्न गलत हो गए, तभी से ममता टेंशन में थी। परिवार वालों ने उसे काफी समझाया भी था। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि यार बच्चे इस कदर अब टूट चुके हैं कि सिर्फ पेपर खराब होने से इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत चीज है। तो अभी आपके पास यूपी टेट का ऑप्शन है। देखिए शिक्षक भर्ती में दोस्तों जो बच्चे यहाँ पर हैं अभी तक दोस्तों इनका मामला कोर्ट में चल रहा है। देखिए एक साल से बच्चे टरक रहे हैं कि कब से कब हो रहा है। देखिए आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है,
देखिए होता क्या है, जो बच्चे सिर्फ 69,000 को लेकर बैठे हैं वो बच्चे ही परेशान अधिक होते हैं। जिन बच्चों के पास और भी विकल्प है, और भी ऑप्शन है, तो वो बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं है। वो सोचते हैं कि उनको पता है। आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं कि आज नहीं तो कल आपको नौकरी मिलनी ही मिलनी है। बस दोस्तों ये कल कब तक आएगा, ये दोस्तों अब तो आपको समझ में आएगा जब आपकी अगली सुनवाई होगी। आपने दोस्तों देखा होगा लास्ट कुछ सुनवाई से आपने जो शिक्षक भर्ती की जो अपडेट आ रही थी, यार सुनवाई में सिर्फ बीएड मामले को उठाया जा रहा है। तो मतलब दोस्तों पहले से सबको ये बात पता था कि अब सुनवाई दोस्तों काफी लंबे समय के बाद ही होगी। उसीलिए दोस्तों हो सकता था कि आपकी 40-45 कट ऑफ को मुद्दे पर बात ही नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, बीएड मुद्दे पर बहुत जोर शोर से बात चली, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार अब आपका मामला जनवरी 2020 में जा चुका है। तो कितना लंबा समय आपका लगेगा ये बात आप समझ रहे हैं कि दोस्तों अगर जनवरी 2020 का मतलब है कि फरवरी में अगर आपकी सुनवाई शुरू होती है तो 1 महीना समझ लीजिए मार्च। दोस्तों आपको एक डेट याद होगी, 29 मार्च 2019। जी हाँ दोस्तों, ये डेट कोई बच्चा नहीं भूल सकता। इसी दिन दोस्तों आपका 40-45 वाला फैसला आया था। जी हाँ दोस्तों, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर जारी हुआ था वो 29 मार्च 2019 को जारी हुआ था। तो क्या दोस्तों ये इस बार भी आपका फैसला 29 मार्च के करीब जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा बिल्कुल भी यस दोस्तों, डेफिनेटली यस। क्योंकि इस समय दोस्तों जो आपका मामला दिख रहा है वो बिल्कुल भी दोस्तों सही मायने में देखा जाए तो वो 29 मार्च तक ही जाएगा। क्योंकि जनवरी में तो आपकी सुनवाई शुरू नहीं हो पाएगी। लास्ट वीक का मतलब दोस्तों साफ है कि आप समझ रहे होंगे कि अगर ये आपके मामले की सुनवाई फरवरी 2020 में मतलब दोस्तों आपकी शुरू होती है तो क्या होगा। फरवरी में दोस्तों अगर 1 महीने में अगर आपका ऑर्डर सुना जाता, सब कुछ हो जाता है, रिजर्व होता है, तो जो आपका ऑर्डर दोस्तों जारी होगा आपको पता हो कि 1 महीने बाद ही या 30 से 40 दिन बाद वो जारी किया जाता है या पब्लिश होता है। तो भाई साफ है कि दोस्तों आपकी फिर से जो ऑर्डर जारी होगा वो पिछले बार की तरह 29 मार्च के आसपास दिखेगा दोस्तों जारी होता हुआ। तो अब एक लंबी दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए अभी आपके पास 2 महीने का समय है, तो जो बच्चे यूपीटेट 2019 का फॉर्म भरे हैं मतलब, तो दोस्तों अब आप लोग टेट में लग जाइए, जितने अच्छे हो सके उतना अच्छे स्कोर करिए। अब फिर आप लोग कहेंगे यार यूपीटेट सीटेट पास होकर हमें मिलेगा क्या? जी हाँ दोस्तों सही बात है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पे कोई भी नई शिक्षक भर्ती आएगी तो सबसे पहले आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर जो बच्चे नए हैं वीडियो को देख रहे हैं तो आपको देखिए तैयारी करते रहना है। आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज नहीं तो कल दोस्तों नौ देखिए फिर से हम बताना चाहेंगे, आज तक जितनी भी शिक्षक भर्तियां आई हैं हम आपको आपको फिर से जल्दी से आपको एक इतिहास बता देते हैं। इससे पहले आपकी एक शिक्षक भर्ती आई थी 12,460 करके, उसमें मामला कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है। 68,500 आप देख रहे होंगे रोज कॉपियां चेकिंग हो रही है। 30-33 कट ऑफ मामले पर मतलब मामला दोस्तों ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। 69,000 ये भी दोस्तों कोर्ट केस में, मतलब हर एक वैकेंसी दोस्तों आपका कोर्ट प्रक्रिया से होकर गुजरा है। हर बार बच्चे परेशान हुए हैं, लेकिन दोस्तों जीत भी हर बार बच्चों की ही हुई है। मतलब एक हम कंक्लूजन पर पहुंचे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों की हार हुई हो, बच्चों की ही जीत होती है इसमें, खाली थोड़ी सी देर लगती है। तो दोस्तों आपने एक फेमस डायलॉग सुना होगा, देर है अंधेर नहीं भगवान क्या। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही आप समझ लीजिए कि देर है यहाँ पर अंधेर नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल आपको नौकरी मिलेगी। तो आपको इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो हमारा पूरा YouTube चैनल दोस्तों आपके साथ है, हम हमेशा आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। ऐसा मत सोचिए दोस्तों कि अब मामला चला गया तो हम लोग भूल जाएंगे कि क्या हुआ 69,000 का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। पर डे आपके लिए दोस्तों वीडियो आती रहेंगे और पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है क्या मामला चल रहा है। देखिए जब तक दोस्तों आपके मामले में जोर शोर रहेगा तब तक आपकी बात सुनी जाएगी। अब ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी लोग इग्नोर करना शुरू कर दें, क्योंकि अब 2 महीने का समय है। अब 2 महीने में ऐसा ना हो जाए कि यार सब 69,000 शिक्षक भर्ती को ही भूल जाए, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा यार कि अब काफी लंबी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों ये डेट है कि क्या है समझ नहीं आ रहा कि इतनी लंबी दिनों बाद दोस्तों आपकी सुनवाई होगी। तो अभी आपको धैर्य रखना है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जो होगा दोस्तों अच्छा ही होगा। तो बस इसी बात को समझ कर आपको वेट करिए एंड वॉच करिए, वेट एंड वॉच करिए दोस्तों, और जो दोस्तों होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। बिल्कुल भी आप इसको लेकर परेशान मत होइए कि क्या होगा यार अब हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सभी बच्चे परेशान हो रहे हैं। देखिए अगर आप कोई साइड बिजनेस करते, देखिए बच्चे वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं जो भाई जिन कुछ बच्चे के घर में तो ऐसा है कि बच्चों को भाई सुनाया जा रहा है कि यार अब तो नौकरी कर लो कुछ तो करो। देखिए आप घर वालों की बात तो सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों उसको सीरियसली मत लीजिए। आज आप बेरोजगार हैं लेकिन कल आप रोजगार आपको मिलेगा, आप नौकरी लगेगी। तो इसको लेकर काफी बच्चे टूट रहे हैं मानसिक तौर पर, दोस्तों बच्चे परेशान हो रहे हैं। रोज रोज का हो गया यार, एक दिन होता है ना कि कोई बुरी खबर मिले एक दिन में हो जाए फाइनल, हार या जीत दोस्तों उससे बच्चे परेशान नहीं होते हैं। रोज रोज नहीं होता है, एक मेंटल प्रेशर होता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द न्याय मिले दोस्तों और आपकी शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट हो। कट ऑफ मामला कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन हम भी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तो यार बच्चों की बात सुन ली जाए, नहीं तो बच्चे काफी परेशान हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और एक लंबी सुनवाई दोस्तों फिर से लग गई। डेट आपको पता ही जैसा। अब दोस्तों ये 4,000 वाली जो शिक्षक भर्ती है तो उसमें दोस्तों क्या होता है देखते हैं। तो कुछ भी दोस्तों वो पहले ही हो जाए तो सही रहता है यार, अब बाद में कुछ होता है तो उसमें फिर काफी दिक्कतें आती हैं।
अब नई शिक्षक भर्ती के जो इंतजार में बच्चे बैठे हैं उनको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतनी अच्छी तैयारी करिए कि एक बार में ही आपकी नौकरी मिल जाए, नहीं तो दोस्तों आपका भी मामला सालों साल कोर्ट में चलेगा। एक बात आपको ध्यान में रखना है, आप कभी भी आपकी नौकरी आएगी तो वो मामला कोर्ट में जाना ही जाना है, कोई ना कोई छोटी सी दोस्तों यहाँ वजह होती है और मामले में पूरा स्टे लगता है। आपको एक बात से अवगत कराएंगे, सीटेट 2019 8 दिसंबर आपको पेपर याद होगा, पेपर लीक का मामला दोस्तों आया, आपको पता ही होगा ना पेपर लीक का मामला हाईलाइट हुआ, लेकिन दोस्तों अभी तक उसमें कोई केस देखने को नहीं मिला। अगर दोस्तों हम लीक कर दे रहे हैं, अगर वो यूपी टेट में ऐसा कुछ हुआ होता ना, अब तक हजारों केस हो गए होते हैं, हजारों बच्चे याची बन चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों वही बात होती है ना कि कुछ पेपर अलग होते हैं, कुछ पेपर यहाँ, तो मतलब अपना उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता है तो यार यहाँ पर छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पूरे मामले को फंसा दिया जाता है, जिससे नुकसान बच्चों को होता है। याद होगा दोस्तों 6 जनवरी 2019 का वो दिन जिस दिन पेपर होते ही सभी टीम ने दोस्तों, जी दोस्तों आपके सभी विरोधी पक्षियों ने कहा कि भाई हाँ पेपर लीक हुआ, ये हुआ, लेकिन दोस्तों उसके बाद कभी पेपर लीक की बात ही नहीं की गई। सबको पता था कि खाली इस कोर्ट मतलब इस मैटर में अगर स्टे पाना है, शिक्षक भर्ती को फंसाना है, तो दोस्तों ये सबसे बड़ा मामला होता है। बोल दो भाई पेपर लीक हुआ है, प्रूफ था सबके पास, व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था, वही सब चीजें दोस्तों होती है। तो काफी दोस्तों देर हो चुकी है, उम्मीद करेंगे कि आपकी सुनवाई जल्द से जल्द शुरू हो, और आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुई दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको नौकरी मिलेगी। भरोसा नहीं तो किसी भी आपके जो सीनियर टीचर हो उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो भी कहेंगे यार देर तो लगती है लेकिन नौकरी मिलती है। स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट, और हमेशा दोस्तों आप मोटिवेटेड रहिए, कभी डीमोटिवेट मत होइए, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द नौकरी मिलेगी।